तहसीलदार और प्रभारी डॉक्टर ने लैब पैथोलॉजियों का निरीक्षण किया। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ से है, जहां पोहरी एसडीएम शिवदयाल धाकड़ के आदेश के अनुसार तहसीलदार बैराड़ संतोष धाकड़, पटवारी चंदन वर्मा और बैराड़ अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर दीक्षांत द्वारा बैराड़ नगर के सभी प्राइवेट वैध एवं अवैध तरीके से चल रहे पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण किया। पैथोलॉजी लैब में कई कमियां पाई गई। जानकारी के अनुसार तहसीलदार संतोष धाकड़ और प्रभारी डॉक्टर दीक्षांत ने बताया कि हमारे द्वारा बैराड़ में चल रहे प्राइवेट 3 पैथोलॉजी लैबों का निरीक्षण किया गया। जानकारी लगते ही कुछ पैथोलॉजी लैब संचालक शटर डालकर भाग खड़े हुए और जिन पैथोलॉजी लैबों का हमारे द्वारा निरीक्षण किया गया उनके डॉक्यूमेंट विधिवत पटवारी चंदन वर्मा द्वारा पंचनामा बनवा कर जमा कर लिया गया है, जिनको हमारे द्वारा जिले में रजिस्टर्ड पैथोलॉजी लैब पर वेरीफाई कराया जाएगा। संजीवनी पैथोलॉजी लैब में कमियां इस तरह की मिली कि लैब में पूर्व से ही खाली लेटर पैड पर कोई भी रिपोर्ट अंकित नहीं है, साइन किए हुए मिले हैं और पूछा गया तो लैब में किसी भी कर्मचारी के साइन नहीं है और संस्कार पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी 2022 में ही खत्म हो गई। संस्कार पैथोलॉजी ने बताया कि मेरे पास रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन है जो मिल नहीं रहा है, शाम तक आपको दे दिया जाएगा और बालाजी पैथोलॉजी लैब द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया है। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं तो उस पर कार्यवाही की जाएगी और उसे शील्ड कर दिया जाएगा। और तहसीलदार संतोष धाकड़ ने बताया कि जो लोग लैब बंद करके भाग गए हैं वह कब तक बंद रखेंगे, कभी ना कभी तो खोलेंगे, उस दिन उस पर कार्यवाही की जाएगी। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। मतलब आप आज क्या कुछ कार्रवाई की गई है? श्रीमान पंचायत अधिकारी महोदय के मौखिक आदेश के अनुसार आज मैं तहसीलदार साहब के साथ में किसी भी बैराड़ के अंदर प्राइवेट लैब संचालित हैं उनका निरीक्षण करने के लिए आया हुआ था। इस दौरान मैंने 3 लैबों का निरीक्षण किया है, तीनों से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्सों को मैं जिले में रजिस्टर्ड लैब का जो वो है उससे मैं वेरीफाई करवाऊंगा, उसके पश्चात देखते हैं आज ही क्या कार्यवाही करते हैं। चार लैब थी, उनमें से 3 की हुई है, एक और लैब कौन सी लैब मुझे बंद मिली हुई है, संस्कार, संजीवनी तथा बालाजी, 3 पैथोलॉजियों का मैंने निरीक्षण कर लिया है। इनमें कार्रवाई वगैरह, इनमें जो भी है मैं रिपोर्ट बना करके कंटिन्यूस अधिकारी महोदय को देता हूँ, उसके पश्चात जो भी वो कार्यवाही। इनमें सर कौन कौन सी कमियाँ आपको प्राप्त हुई है? ये संजीवनी पैथोलॉजी में एक लेटर पैड पर पूर्व से ही दस्तावेज साइन किए हुए रखे हुए हैं, खाली लेटर पैड साइन किए हुए रखे गए हैं, उनमें कोई भी रिपोर्ट अंकित नहीं है। और पूछने पर पाया गया कि वहाँ पर वो जो साइन है वो लैब के अंदर जितने भी कर्मचारी थे उनमें से किसी के भी नहीं है। दूसरा, हम संस्कार पैथोलॉजी के सामने यहाँ खड़े हुए हैं, इनके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड 2022 में ही, उसकी वैलिडिटी 2022 में खत्म हो गई, परंतु इनको द्वारा रिन्यूअल का कहा गया है कि मेरे पास रिन्यूअल है लेकिन वो मिल नहीं रहा है, तो इन्होंने शाम तक का समय चाहा है। और बालाजी के द्वारा अभी तक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, अगर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उसको सील बंद कर दिया जाएगा।